हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। इस वीडियो में अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं खजुराहो। एज यू नो, खजुराहो बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है अपने इंडिया का। 1200 साल पुराना संस्कृति है, स्क्रिप्चर्स हैं, तो ये हर कुछ को अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखने वाले हैं फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अपन सेकेंड हाफ में जाने वाले हैं पन्ना टाइगर रिजर्व। उधर भी एपिक सा इंसिडेंस हो गया हमारे साथ। जंगल सफारी घुसते बराबर हमारा गाड़ी हो गया बंद, ख़राब, तो अपना गाड़ी चेंज हुआ, वो सब तो एक इंसिडेंस हो गया। सेकंड क्या हुआ, अपन को दिख गया तेंदुआ, लेपर्ड। आई नो, अपन गए ही इसलिए थे कि अपन स्पॉट कर सके वाइल्ड एनिमल्स को। बहुत प्यारे स्पॉटिंग हुआ, बहुत सही ट्रेस किया अपन। इनफैक्ट अपन तेंदुआ को पानी पीते हुए देखे, तो ऐसा कुछ रहेगा हमारा पूरे इस वीडियो में डिटेलिंग। तो आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड, सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सबसे विशाल मंदिर है खजुराहो का। चंदेल वंश जहाँ भी आएगा कंदारिया महादेव नाम जुड़ा हुआ होगा। तो चंदेल वंश की खजुराहो जो था वो रिलीजियस एंड कल्चरल कैपिटल होता था। यहाँ कभी रुके नहीं वो, उनका एक भी रेजिडेंशियल एविडेंस खजुराहो में नहीं मिला। कालिंजर जो यहाँ से 100 किलोमीटर वो आर्मी कैपिटल थी, और महोबा इनकी पॉलिटिकल कैपिटल थी जो 60 किलोमीटर्स पे है। मंदिर जो है सभी के सभी हायर लेवल की इंजीनियरिंग में बने हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें जियोमेट्री, हर एक से दूसरा पत्थर इंटरलॉकिंग से इंटरकनेक्टेड है। कोई भी मोर्टार, कोई ग्लू उस समय यूज नहीं किया गया। जिस स्टोन पे ये मंदिर बने हैं वो लोकल स्टोन नहीं है, पन्ना वाली रेंज से लाया गया पूरा, क्योंकि एंटायर एरिया ग्रेनाइट वाला है। मंदिर ग्रेनाइट के प्लेटों पे बनाए जाते थे, क्योंकि इतने भारी वेट को सस्टेन करने के लिए वो लैंड भी सस्टेन करने वाली होनी चाहिए, तो ग्रेनाइट के प्लेटो ही सर्च होते थे। 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक चंदेल वंश प्रिंसिपल रूलिंग डायनेस्टी थी सेंट्रल इंडिया की। ना केवल खजुराहो, जहाँ जहाँ इनके बड़े बड़े फोर्ट हैं उन सभी के अंदर बड़े बड़े मंदिर, लेकिन अब रुइंस हो गए हैं। और लास्ट मोमेंट पे मुगल के समय पे ये पूरी डायनेस्टी हिमालय की ओर मूव कर जाती है। वो जगह हिमाचल प्रदेश में चंबा वैली है, वहाँ जाके भी मंदिरों का कंस्ट्रक्शन कराया जाता है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बने हैं, जो हिमालय से प्रभावित शैली है, इसलिए आपको माउंटेन का चेन सिस्टम दिखाई दे रहा है। लास्ट का टावर कैलाश का प्रतीक है, तो उसका शेप भी कैलाश माउंटेन के जैसा है। मंदिर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है अगर पूरे विश्व में, तो वो इरोटिक्स को लेके, तो मंदिर जो है वो सिंबल ऑफ लाइफ होते थे, एज अ मिरर ऑफ सोसाइटी माने जाते थे, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, नथिंग एल्स। और मंदिर जो है वो हायर लेवल की एजुकेशन का सेंटर होते थे, तो शायद ये एजुकेशन भी दी जाती होगी डेथ तक सब कुछ। बिल्कुल सर, क्योंकि इन मंदिरों से भी 800 वर्ष पहले वात्स्यायन ऋषि ने कामशास्त्र लिखा, तो शास्त्र से रिलेटेड भी, उससे इन्फ्लुएंस भी ये एरोटिक्स प्रतिमाएं मानी जाती हैं। वैसे तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है सर, लेकिन समय कम है, तो आइए सर अब हम ये सर चंद्र बर्बन लायन से फाइट करते हुए, अरे वाह, तो वो हार्ट की डेयरिंग शो कर रहे हैं। हाँ सर, मतलब ये बाद में डिफेंड हुआ सर, ये मुगल आर्मी के समय पे, औरंगजेब के समय था। ये देखे सर, यहाँ पे ये माँ चामुंडा हंगर गॉडेस, और विमेन जो है वो बहुत ही फैसिनेटिंग दिखाई गई है। कोई वेल सिस्टम इन मंदिरों में नहीं मिलेगा आपको। विमेन को मेजोरिटी में रीडिंग राइटिंग करते दिखाया गया है, तो देवर क्वालिफाइड। और ये काम कला यंत्र, ये बहुत ही फेमस एरोटिक स्टैचू माना जाता है, जिसमें पुरुष शीर्षासन में है, जो प्रैक्टिकली ना होके सिम्बॉलिक डिपिक्शन है, क्योंकि प्रैक्टिकली पूरा ब्लड हेड की ओर जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 7 मदर गॉडेस जो मिलेंगी देखने को, वो देवताओं की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हुई, क्योंकि एनर्जी का जेंडर फेमिनिन है, वैसी ही ये 3 नाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना, यौगिक नाड़ियाँ। तो गाइस अपन निकल रहे अभी खजुराहो से, खजुराहो टू पन्ना 30-35-40 किलोमीटर है ज़्यादा से ज़्यादा। अपना खजुराहो टेंपल और जो भी हिस्ट्री था यहाँ का, जो भी स्क्रिप्चर्स थे, जितने भी चीज़ें थे, काफ़ी कुछ कवर किए हैं। काफ़ी अच्छा जगह है, स्ट्रॉन्गली सजेशन देते हैं कि आओ खजुराहो एक बार, मतलब वे ऑफ लाइफ दिखेगा इधर पे। अपने
हजार 1500 साल पहले कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या चलता था, ये हर कुछ यहाँ आगे पता चलेगा। और जल्द से जल्द अपन 60-70 किलोमीटर, 60 नहीं 30-35 किलोमीटर, जमीन आसमान का फर्क बोल दिया था, गलती से निकल गया था, 40 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स पन्ना पहुँचेंगे। उधर पे अपना नाइट में जंगल सफारी है टाइगर, पन्ना टाइगर रिजर्व में। और जैसे कि देख सकते हो 16:59 हो चुका है, ऑलरेडी 5 बज गया है, और 6 बजे के लिए अपना है मुद्दा। वहाँ पे उसकी बॉडी पे पड़ेगी तो एनिमल जो है वेल कैमोफ्लॉज होते हैं, नेचर के कलर में मैच हो जाते हैं, कोई स्पॉट करना थोड़ा रात को मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आपकी टॉर्च पड़ती है तो ये आईज जो है ऐसे जैसे बल्ब की तरह चमकते हुए दिखती हैं। अगर गाइड ने टॉर्च डाली तो ये अलग अलग एंगल से आपको वो लाइट चमकेगी आगे, तो अगर गाइड ने नहीं देख पाया, अगर आपने देखा तो आप तुरंत बोलिए रुको रुको और वहाँ पे है तो वो आप फिर फोकस करेंगे, देखेंगे क्या है। इस तरीके से आप स्पॉटिंग करिए और ये एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट एक्सपीरियंस है नाइट का। पन्ना टाइगर रिजर्व, तो गाइस पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंच गए हैं। लोग ये देखो, नहीं पहुंचे हैं, पहुंच गए हैं, नहीं पहुंचे हैं, अरे पहुंच गए हैं, नहीं पहुंचे हैं। करो जाने लगेगा तुम्हारे, जंगल में जानवर है उधर से कोई बोलेगा अब पहुंच भी नहीं पाओगे। क्रेजी गाइस, लेट्स गो। कहां गए भाई जी, अपन सारे दिन की देखनी। गाइस क्रेजी सीन हो गया है, लेपर्ड दिखा है, अपन जा रहे हैं फुल भगते हुए देखने के लिए। ये अपनी फुल ओवरटेक है, इनको कोई तवज्जो ही नहीं देना है। तो गाइस अभी हो गया क्रेजी सीन, जंगल सफारी के लिए आए हैं, कोर में नहीं है, ऐसे ही बफर है। और मुद्दा ये हो गया कि अपनी गाड़ी हो गई है बंद, बोनेट खोला जा रहा है, देखते हैं क्या इसमें दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम, बैटरी कहीं कुछ लोचा लफड़े हैं। और ये शख्स तो हमारे साथ आए हैं, ये क्या कर रहे हैं सर, आप क्या कर रहे हैं बताइए। कोशिश कर रहे हैं बैटरी को शॉर्ट करने का, नहीं शॉर्ट नहीं, शॉर्ट आउट करने का प्रॉब्लम। नहीं ये हिल गया है, ये बात तो गारंटी बात है, क्योंकि एकदम कुछ नहीं दे रहा था। तो अपन काफी देर यहाँ पे हैं, तो हमारे पुलिस भी, पुलिस सुविधा मिल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। ठीक है भैया, धन्यवाद रहे, गाड़ी वाड़ी छोड़ दिए। अच्छा आप ही गाड़ी लेके आए थे, एक नंबर, आगे कर लो सीट थोड़ी, बस तो घुमा के लाओ। गाइस पहुंचने वाले हैं अपन, तेंदुआ देखेंगे, और मुद्दा मामला तो ये है कि पीछे तरफ जो गाड़ी है जो दिख रहा होगा उनके साथ हो गया लफड़ा। ओ भाई पूरा मार्केट है यहाँ पे, बैठो देखो सर, ओ भाई सामने सर तेंदुआ दिख गया भाई, क्रेजी। अभी क्या पूरा आ जा रहा है इसमें, तो देखिए भैया सुनो ना, थोड़ा साइड होना, एक नंबर वीडियो आ रहा है। लीजिए सर, थैंक यू भैया सर, यहाँ से लीजिएगा, ऊपर आइए, वो जा रहा है, देखिए सर यहाँ से साफ सेफ दिख रहा है बिल्कुल। ओ भाई साहब,
आ रहा है सर कि नहीं? अरे पूरा प्रॉपर फुल साइज। अरे नाइस घुसेगा सर। अब मैं मॉडल देख रहा हूं। देखो सर वो गया सीधा बिल्कुल। ओ भाई गाइस देख रहे हो क्रेजी। वापस आएंगे? नहीं क्रॉस करेगा सर। पकड़िए सर थोड़ा आगे बढ़। आगे वाला कौन है? बंद कर लो सभा सामने से निकल। वो वाणी दिखाने तुम्हारे इतने लगाए हो कम भी यार भी जाते यार का गारज जनार दिमाग का नहीं पड़ा यार। आगे वाली गाड़ी महाराज तो गाइस अपना कॉन्फ्लिक्ट हो गया खत्म थोड़ा। अरे बाप रे भाई तो अल्टीमेट ऑफ रोडिंग कर दे रहा है। नहीं जाएगी नहीं जाएगी अटक गई चढ़ गई। अरे बाप रे क्या ही ऑफ रोडिंग चल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। ओ भाई दिख गया। चलो वीरू चलो चल 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 वीरू बड़ा देखो देखो देखियो हल्ला में अंदर का कंपन। हाँ हाँ वो आया। ओ भाई वो कड़ी हम पे चालू का बना। ओच देखो वो आया वीरू इतना कोर आंगे थोड़ी चलो चल। ओ भाई क्या लगा 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 ओ भाई। हेलो 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 तेंदुआ गाइस देखो लाइव तेंदुआ मैं दे दूंगा तुरंत। हाँ ये देखो भाई ये देखो। ओ भाई आप देख रहे हैं न्यूज़ 13 एकदम पूरा पूरा आँख के सामने है। ये देखो गाइस बंद कर दूंगा। मैंने क्या कहा था पानी पी रहा है हाँ महाराज। अरे यार की रहा है चीजन के तुम अब नहीं भागने अब भागना ही नहीं है ना सर। टॉर्च बंद करो हाय हाय पानी में भी देखिए सर। अरे बाप रे महाराज मेल आए मैं बोला ना मेल पूछो था अपने को अपना ये भी है यानी पता है लड़का लड़की है मेल की फीमेल मेल है मेल है मेल है सर। फिर से रोड क्रॉस करेगा सर तो गाइस हो गया फाइनली राइड खत्म जंगल सफारी खत्म। शानदार भैया हाउ इज इट? बहुत ही शानदार आज का जो अनुभव है शेयर करेंगे भाई। लाइफ में पहली बार देखे हैं इतने नजदीक से बहुत खतरनाक बहुत प्यारा। और देख रहे हो वीडियो तो बताओ कैसा लगा वीडियो। बाकी अभी डिनर करके डे ऑफ करना है
वही है और तो कोई सीन है नहीं।